एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ लेफ्ट ओवर सब्जियों से पराठा, टेस्टी पराठा कैसे बनाएं। कल रात मेरे यहाँ किसी का डिनर था, मैंने ये काली दाल मिक्स दाल बनाई थी और ये मैंने बनाए थे पालक के कोफ्ते, जिनको मैंने देखिए क्रश कर लिया है। ये देखिए अच्छे से इनको, जो ग्रेवी थी और इसको मैश कर लिया है। तो मैं वही पतीले में आपको दिखा रही हूँ, अलग से नहीं दिखा रही जिसमें बचा हुआ था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और कुछ फ्लेवर चेंज करने के लिए मैंने कुछ पालक के पत्तों को जो है धो करके बारीक काट लिया है। एक हरी मिर्च है, ये देखिए हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है, क्योंकि हमने मसाले, खड़े मसाले और ये सब दाल सब्जी में डाला है। जब हम किसी का डिनर करते हैं तो मसाले अच्छे डालकर सब्जियां बनाते हैं। घी में बनी हुई दाल है तो ऊपर से और मैं कुछ नहीं मिला रही हूँ, बस थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्जियों में नमक है तो मैं आटे के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और ये मैं जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा बस। और ये है हमारा सूखा आटा, तो अब हम करेंगे इनको मिक्स। मैं पहले सारी सब्जियाँ मिक्स करूँगी। ये देखिए सारी सब्जियाँ मैंने डाल ली हैं। अब आटा, हम जो सूखा आटा है वो इस हिसाब से लगाएंगे कि हमें ये सब्जियाँ सारी कंज्यूम करनी है। अगर मेरे यहाँ खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मुझे ज़्यादा पराठे बनाने हैं, अदरवाइज़ आप कम सब्जी ले सकते हैं। यानी पहले आप आटा ले लें फिर थोड़ी थोड़ी सब्जी डालें, दोनों तरीके से आपका ये चल सकता है। देखिए कितना बढ़िया ये मिक्सचर बन के तैयार है और इससे आप ना फूड वेस्ट भी नहीं करेंगे। या तो किसी ने खा लिया तो आपका अच्छा हो गया, अदरवाइज आपका फूड जो है वो वेस्ट नहीं होगा अगर आप इस तरह से उसको रीयूज कर लेंगे। हम इसमें आटा डालेंगे और इसको हम मिलाते जाएंगे। पहले मैं चम्मच से कर रही हूँ, उसके बाद मैं हाथ से मिलाऊंगी इसको। और थोड़ा हम सॉफ्ट ही आटा लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक आ सकें। विंटर का मौसम है और पराठे आप खाते हैं, आप चाहें तो इसकी रोटी भी बना सकते हैं। अगर आप पराठे खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। अब हम इसको हाथ से मैश करेंगे। जो आपने भुना है वो सब मसाला है। अगर आप अलग से पराठे बनाएंगे तो इतना मसाला आप नहीं डालेंगे। और घर की बनी हुई दाल सब्जी है, ये देखिए कुछ इस टाइप से ये आटा लग जाएगा। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए इतना बढ़िया ये आटा लगकर तैयार है, सॉफ्ट आटा है आप देख सकते हैं। इस पर अब हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे, और ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी वगैरह है दाल के अंदर, तो इसमें हम ऑयल का हाथ लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। इसको कवर करेंगे, 10 टू 15 मिनट्स के लिए हम ढककर रख देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं आटा रखे हुए और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये आटा लग कर तैयार है। तो आइए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आटे को तोड़ के और ऐसे ये गोल कर लिया है, देख सकते हैं ना, इस टाइप से मैंने ये लोइयां बना ली हैं। जितने बड़े पराठे आपको बनाने हैं ना उतनी बड़ी आप लोई बना सकते हैं। सूखा आटा लगाएंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे हाथ से बढ़ाएंगे और इसको हम ये बेलेंगे। और देखिए बहुत आसानी से बिल रहा है, सारी सब्जियों से हमने सॉफ्ट आटा लगाया है, बहुत आसानी से बिल रहा है। हल्का सा हम इसमें घी लगाएंगे, इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, ऑयल घी कुछ भी लगा सकते हैं हाँ। और इसको हम ऐसे ही इसको पैक करेंगे। गोल बनाना है, कैसे भी शेप का आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा हाथ से बढ़ाना है, नहीं तो सीधा आप बेलन से भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब्जियां अंदर स्टफ की हुई हैं, अंदर ही आटे में लगाई हुई हैं। अब हम इसको बेल लेंगे, जैसा आप खाते हैं, जितना पतला खाते हैं, जितना मोटा खाते हैं उस तरीके से आप बेल लें। तिकोना पराठा चाहते हैं तिकोना बना लें, स्क्वायर बना लें, जो भी आपको गोल बनाना है, इजी, सबसे आसान है ये। आपके सब फ्रिज में सब्जियां भी खत्म हो गई
और हेल्दी भी बन गया। तवा ऑलरेडी हमने गरम किया हुआ है, अब हम ये पराठा तवे पर डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको सिकने देते हैं। ये दूसरा पराठा हम तब तक बेल लेते हैं जब तक हमारा पराठा सिकता है। आप देखिए कोफ्ते भी मैश हो गए हैं अच्छी तरह से, कहीं कहीं दाल का आपको दाना भी दिखेगा। आप देखिए अच्छे से कितना बढ़िया ये है। और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है, जो घर में है अवेलेबल। प्याज भी हमने नहीं डाली है क्योंकि प्याज ऑलरेडी सब्जी में डली हुई है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा ऑप्शन कुछ होगा। सभी मसाले हैं, इसको हम आप सीधे रोटी की तरह भी इसको सेक सकते हैं, बट ऐसे करके जो है पराठा अच्छा खिला खिला बनता है। इसको चलो हम ट्रायंगल बना देते हैं। तिकोना मोड़ लेंगे इसको और ऐसे करके अब हम इसको बेलेंगे। चेक कर लेते हैं पराठा, ये देखिए इधर से अच्छा सिक गया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेते हैं और इसके ऊपर अब हम घी लगाएंगे। आप घी चाहें, आप ऑयल चाहें, जिससे चाहें बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं कहूंगी आप घी से ही बनाइए। दोनों तरफ से पराठा जो है वो अच्छे से सिक गया है और कम ज्यादा घी आप कर सकते हैं। ये देखिए अंदर ऑयल लगाने का मतलब ये है कि पराठा जो है वो अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए जबरदस्त क्रिस्पी पराठा लग रहा है ना, यम्मी। और मीडियम फ्लेम पर सेकिए क्रिस्पी पराठे फुल ऑफ वेजिटेबल्स। बच्चे भी नहीं गेस कर पाएंगे कि इसमें क्या डाल दिया है। चारों तरफ से हम अच्छे से इसको सेक लेंगे। एक बार और हम इधर से सेक लेंगे। देखिए किनारे विनारे सब बहुत अच्छे से बन गए हैं। आप नॉन स्टिक पर भी बना सकते हैं। देखिए इधर से भी पूरा अच्छे से सिक गया है पराठा, तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार है। दूसरा बेलते हैं। अब हम इसको सूखा आटा लगा के ऐसे बेल लेंगे। बहुत अच्छे यमी पराठे बनेंगे ये, जरूर ट्राई कीजिए। और ये नहीं सोचना है कि आपके पास कोफ्ते और दाल हो तभी आप बना सकते हैं। दाल आप बनाते ही हैं, या चने राजमा है, कोई भी सब्जी है, पनीर है, बस उसको आपको अच्छे से मैश करना है। सब्जी को आप अच्छे से मैश कर लें और आटे में गूंथ लें। तो ये हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसको भी सेक लेते हैं और इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। हम इसको हम पलट लेंगे और इस तरफ से हम घी लगाना शुरू करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी शेप में पराठे बनाइए। अगर आपके अच्छे से नहीं बन रहे हैं, गोल नहीं है, तो आप ढक्कन से भी कट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे ये पराठे लगते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हम इनको सेक लेंगे। सर्दी में जरूर खाइए, वंस इन अ वीक तो आप खा सकते हैं। ये हमारे सब ट्रेडिशनल फूड हैं, जैसे हम लोग हमारे मम्मी और दादी नानी बनाते थे उसी तरीके का है कि वो अन्न का एक भी दाना वेस्ट नहीं करते थे। तो इसको हम दोनों तरफ से सेक लेते हैं। जब तक वो हमारा पराठा सिक रहा है मैं आपको दिखाऊं। देखिए कितना करारा पराठा है ये। और ये क्योंकि हमने अंदर ऑयल लगाया है तो मैं आपको दिखाऊं, ये अंदर से देखिए इस टाइप से है। देखिए पूरा अच्छे से ये सिक गया है, बहुत ही बढ़िया पराठा है। ये देखिए दोनों तरफ से जो है पराठा हमारा बहुत अच्छा सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं ना आप, ये हमारे यमी से लगने वाले पराठे। नीचे ट्रायंगल है, ऊपर ये गोल वाला पराठा है, और मैं आपको यहां दिखाऊं ये पूरा अच्छे से ऐसे फूला हुआ है। देखिए बटर के साथ सर्व कीजिए, मिर्ची के अचार के साथ सर्व कीजिए, दही से लीजिए, चटनी से लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।